श्रीमती सोनिया गांधी जी, अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का इजाजत दिया, मैं आपकी आभारी हूँ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ मैं नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 के समर्थन में खड़ी हुई। धुएं से बड़ी हुई रसोई से लेकर रोशनी से जगमगाती हुई स्टेडियम तक भारत की स्त्री का सफर बहुत लंबा है, लेकिन आखिरकार उसने मंजिल को छू लिया है। उसने जन्म दिया, उसने परिवार चलाया, उसने पुरुषों के बीच तेज दौड़ लगाई और असीम धीरज के साथ अक्सर खुद को हारते हुए लेकिन आखिरी बाजी में जीतते हुए देखा। भारत की स्त्री के हृदय में महासागर जैसा धीरज है। उसने खुद के साथ हुई बेईमानी की शिकायत नहीं की और सिर्फ अपने फायदे के बारे में कभी नहीं सोचा। उसने नदियों की तरह सबकी भलाई के लिए काम किया है और मुश्किल वक्त में हिमालय की तरह अधिक रही। स्त्री के धैर्य का अंदाज लगाना नामुमकिन है। वह आराम को नहीं पहचानती और तक जाना भी नहीं जानती। हमारे महान देश की माँ है स्त्री, लेकिन स्त्री ने हमें सिर्फ जन्म ही नहीं दिया है, अपने आंसुओं खून पसीने सींच कर हमें अपने बारे में सोचने लायक बुद्धिमान और शक्तिशाली भी बनाया है। अध्यक्ष महोदय, स्त्री का मेहनत, स्त्री का गरिमा और स्त्री के त्याग की पहचान करके ही हम लोग मनुष्यता की परीक्षा में पास हो सकते। आजादी की लड़ाई और नए भारत के निर्माण के हर मोर्चे पर स्त्री पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ी है। वह उम्मीदों, आकांक्षाओं, तकलीफों और गृहस्थी के बोझ के नीचे नहीं दबी। सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, अरुणा असफ अली, विजयलक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर और उनके साथ तमाम लाखों लाखों महिलाएं से लेकर आज की तारीख तक स्त्री ने कठिन समय में हर बार महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, बाबा साहब अम्बेडकर और मौलाना आजाद के सपनों को जमीन पर उतार कर दिखाया है। इंदिरा गांधी जी का व्यक्तित्व इस सिलसिले में एक बहुत ही रोशन और जिंदा मिसाल है। अध्यक्ष महोदय, खुद मेरी जिंदगी का यह बहुत मार्मिक क्षण है। पहली दफा स्थानीय निकायों में स्त्री की भागीदारी तय करने वाला संविधान संशोधन मेरे जीवन साथी राजीव गांधी जी ही लाए थे। उन्होंने लाए थे जो राज्यसभा में 7 वोटों से गिर गया था। बाद में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने ही उसे पारित कराया। आज
आज उसी का नतीजा है कि देशभर में देशभर के स्थानीय निकायों के जरिए हमारे पास 15 लाख चुनी हुई महिला नेता है। राजीव गांधी जी का सपना अभी तक आधा ही पूरा हुआ है, इस बिल के पारित होने के साथ ही वह पूरा होगा। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी इस बिल का समर्थन करती है। हमें इस बिल के पास होने से खुशी है, मगर इसके साथ साथ एक चिंता भी है। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। पिछले 13 वर्षों से भारतीय स्त्रियां अपनी राजनीतिक जिम्मेदारी का इंतजार कर रही हैं और अब उन्हें कुछ वर्ष और इंतजार करने के लिए कहा जा रहा है। कितने वर्ष? 2 वर्ष? 4 वर्ष? 6 वर्ष? 8 वर्ष? क्या भारत की स्त्रियों के साथ बर्ताव उचित है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग है कि यह बिल फौरन अमल में लाया जाए, लेकिन इसके साथ ही कास्ट सेंसस कराकर शेड्यूल ट्राइब ओबीसी की महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था की दी जाए। सरकार को इसे साकार करने के लिए भी जो कदम उठाने की जरूरत है वह उठाने ही चाहिए। अध्यक्ष महोदय, स्त्रियों के योगदान की स्वीकार करने और उसके प्रति आभार व्यक्त करना का यह सबसे उचित समय। इस बिल को लागू करने में और देरी करना भारत की स्त्रियों के साथ घोर नाइंसाफी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से मैं आपके द्वारा सरकार से मांग करती हूं कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 को उसके रास्ते की सारी रुकावटों को दूर करते हुए जल्दी से जल्दी लागू किया जाए। ऐसा करना न सिर्फ जरूरी है बल्कि संभव भी है। धन्यवाद।